दे खुदाया हौसला। मैंने सुना है कि आज आप ऑफिस छोड़ रही हैं, लास्ट डे आज। जी। खैरियत है? कल आप जल्दी में चले गई, आपने कुछ बताया ही नहीं। वो दरअसल मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी, इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने यही सोचा है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं क्योंकि टीना को अभी मेरी ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड। सिंगल पेरेंट्स होना वैसे काफ़ी मुश्किल होता होगा। आई एम सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तो हम रابطे में रहेंगे ना? बिल्कुल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं आपके साथ इन टच रहूंगी। जी जरूर। चले आज लंच फिर मैं करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन टीना घर पे है और मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा ध्यान ना वहीं पे ही लगा हुआ है। As you wish. Alafis. Alafis. इतने एक्सपेंस कर दिया उन्होंने। देखो 500 रुपए की इतनी सी सब्जी, 500 रुपीज, माय गॉड। सेन, तुम अभी तक इधर ही बैठे हुए हो? ईशल को छुट्टी हो गई होगी, वो इंतजार कर रही होगी। मामा, मेरी ईशल से बात हो गई, उसका अपने ना फ्रेंड्स के साथ कंबाइन स्टडीज का प्लान था। ओह माय गॉड, बताया तो उसने मुझे, भी फॉरगेट ही कर दिया मैंने। याद से उसको ले आना। जी मामा, मैं ले आऊंगा। और अब आपका बेटा इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है कि अपनी बहन को ना लेके आए। मुझे पता है तू बहुत रिस्पॉन्स है मामा। रिस्पॉन्सिबल पता है मुझे, एफए किया पूरा मैंने। पता नहीं किस कॉलेज से किया एफए। क्या क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि नानो तो कहती थी कि आप कभी सो के नहीं उठती थी, कैसे एफए कर लिया आपने? कॉलेज से आके तो सोना ही होता है ना, कौन सा जागना होता है। नानी भूल जाती हैं बातें। पता है ना कितनी उम्र की थी? भूल जाती हैं, मैं तो रोज कॉलेज जाती थी। देखो बेटा, एक जिम्मेदारी और डालना चाहती हूँ तुम्हारे पे। क्या मतलब? डिग्री तो तुम्हारी मुकम्मल होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कि मंगनी कर दूँ तुम्हारी। मामा, ये क्या कह रही हैं आप? और मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, और वैसे भी मेरी अभी कोई जॉब भी नहीं है। मुझे बताओ कि मेरा तुम्हें कैसी लगती है? ठीक है, क्यों? मैं कहती हूँ कि उसके घर वालों से बात करते हैं। देखो मेरी तरह पढ़े लिखे हैं वो, और खाते पीते भी। जी, अगर वो इतने खाते पीते घराने से हैं तो मुझ बेरोजगार से क्यों शादी करेंगी वो? देखो जी, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, आजकल की जो लड़की है ना, घर वालों को अपने बना लेती हैं। नहीं मामा, मेरा ऐसी नहीं है, और वैसे भी अभी कुछ जल्दी नहीं है, अभी छोड़े। मुझे तो लगता है कि उसके घर में कोई इतराज ही नहीं करेगा। देखा था ना, एक वलीमा ही वलीमा हुआ था, इतने से लोग थे सारे, एक अकेली माई फिर रही थी वहां पर। क्या बताओ, कोई मजबूरी हो गई हो? मुझे तो लगता है कि उसके भाई की पसंद की शादी थी। अच्छा मामा छोड़े ना, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अच्छा ये बताए कि आज खाने में क्या पकाया है? तुम गैस करो। पालक गोश्त।
बिल्कुल ठीक। ये देखो, एक दिन तुम्हारी पसंद का खाना बनता है, एक दिन तुम्हारी सिस्टर की पसंद का बनता है। दोनों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, माँ हूँ ना माँ। आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। खैर मामा, मुझे देर हो रही है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, काम है जरूरी, थोड़ी देर तक आ। बेटा ईशल को याद से ले आना। जाहिर है मेरी बहन ने लेता आऊंगा, आपसी मिलेगी, खाता हूँ। ओके सेफ। चल बेखतीजा अपनी ड्यूटी पे। उफ, कितनी एक्सपेंस हो गई है, माय गॉड। जावेद साहब और असलम साहब दोनों को भिजवा दीजिए। यस कम इन। जावेद साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा प्रपोजल गया हो और उसके अप्रूवल में इतना डिले आ रहा हो, व्हाई? बॉस, इस मर्तबा शहराम ग्रुप ने शेयर्स 50% लिए हैं और उनके प्रपोजल भी काफ़ी रीजनेबल हैं, तो शायद इसलिए वो इसको कंसीडर करने में वक्त ले रहे हैं। तो आप अपनी कोटेशन में 1% कम कर दें। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं चाहता हूं जावेद सर। सर, हमने बजट सारा लगाकर एक एक चीज़ एडजस्ट की है। अब अगर हम अपनी प्राइस लो करेंगे तो कंपनी को लगेगा कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है। By the way, ये शाहराम ग्रुप की कोटेशन को लुक आफ्टर कौन कर रहा है? सर, दुर्रे नयाब सदीकी, वो ये सब कुछ खुद देख रही हैं। दुर्रे नयाब सदीकी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है सर। ओके, आप एक काम कीजिए, इनकी ज़रा डिटेल्स निकलवाइए और अगर कुछ नहीं बनता तो हम शाहराम ग्रुप के शेयर्स खरीद लेंगे, फिर कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं। ठीक है सर, मैं डिटेल लेकर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू, आप जाइए। तो आप सती की मिलना तो पड़ेगा। और इंटर्नशिप के बाद क्या प्लान है? फिलहाल तो थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद कुछ ऑनलाइन स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में उनकी प्रैक्टिस करूंगी। शादी? नहीं फिलहाल नहीं। मेरा तुम चाहती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। पागल हो गए हो कसम से, और कुछ नहीं यार मेरा, I'm serious। मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट तुम मुझे बता तो दो, कोई जवाब तो दो ताकि मुझे पता चल जाए। तुम वाकई बहुत बेवकूफ, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों का जवाब उनकी खामोशी में होता है। यानी तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझो? Maybe। मेरा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे तसल्ली करवा दो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बिया को रिश्ता लेके आए और तुम वहां आ कर दो। शाज़ीन, देखो अगर मेरी बिया नहीं मानी ना तो मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकती और ये बात तुम समझ लो। अरे भाई, तुम्हारी मियां को तो मैं मिनटों में बता दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भैया की ये बहन तो माने एटलीस्ट। अच्छा, असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करनी क्या? सशफीक का पता है ना, मिनटों में दफना देंगे तुम्हें। चलो, वो सब भूल गए क्या उनका? मुझे तो याद ही नहीं यार, मेरी असाइनमेंट तुम बना दो प्लीज़।
नहीं, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, चलो कंप्लीट करो, शाबाश। अरे इतना काम तो कर ही सकती हो तुम। इस दफा नहीं, नेक्स्ट टाइम करूंगी, अभी मैं बहुत थकी हुई हूं, मुझे बहुत भूख तो लगी है, इस दफा कर दो प्लीज। असाइनमेंट तो तुम ही बनाओगी। जी नहीं, कहां है तुम्हारा लैपटॉप? उसामा और हानिया खाने पर नहीं आए? वो लोग तो डिनर पे गए हैं, बताया नहीं आपको उसामा ने? आजकल उसामा बड़े बड़े काम बगैर बताए कर लेता है। पिया एक्चुअली मुझे उन्हीं की फीस भी जमा करवानी थी। हाँ तुम एक काम करो, अपना चलान जो है वो उसामा को सेंड कर दो, मैंने उसे कह दिया है वो जमा करवा देगा। जी भैया। मेरा की फीस उसामा पे करेगा? अब से करेगा। मुझे लगता है कि उसामा को अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, खुद को तो सभी संभाल लेते हैं, बात तो है अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना। ठीक कह रही हैं, वैसे भी आजकल बहुत फजूल खर्च हो गया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाता रहता है। टीना के लिए इतने टॉयज ले आया, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। भाई टीना के लिए सब जायज़ है और टीना को कोई नहीं रोकेगा, उसको जो चाहिए उसको लेने दिया कर। सारी सी बात है, वो हमारी मीरा की तरह बहुत लाडली। पिया आपके पास टाइम होगा? बोलो बैठो। क्या बात है रहमा, खैरियत है? पिया जब से माँ जबीन गई है घर कितना सूना सूना हो गया है, दिल ही नहीं लग रहा। खाला जो आनी है तुम्हारे कमरे में, अपनी बहन तो अपनी होती है ना, खाला से वो वाली बात नहीं आती। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें बात समझ आ गई, देर से आई लेकिन आ तो गई ना। आपसे भी बहुत पूरे तरीके से बात की मैंने, है पता नहीं क्यों चिढ़ गई थी इतनी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं, जानती हो तुम फ्रस्ट्रेटेड थी। देखो रायमा, मेरी एक नसीहत है तुम्हारे लिए, मानना ना मानना तुम्हारी अपनी मर्जी है। बोले भैया। अब हानिया तो हमारे घर का फर्द है, लेकिन समीना खाला, तुम अपनी हर बात समीना खाला से मत किया करो। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन रायमा अपने बहन भाई ही अपने होते हैं, उनसे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप, मैं अब सिर्फ टीना पे फोकस करूंगी। अच्छा सोचा।
क्या हो गया अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? उसामा ने कोई बात की? नहीं, क्यों, क्या बात करनी थी उसने? बेटा ये जो बहनें हैं ना, ये सब बहुत तेज है। कल खाने की मेज पर रहमा तुरे ने आपसे कह रही थी कि उसामा बहुत फजूल खर्च हो गया है, इसकी कोई जिम्मेदारी लगाएं। क्या फजूल खर्च हो गया? फिर? फिर क्या, दुर्रे नयाब ने रायमा को कहा कि मिरहा की यूनिवर्सिटी की फीस उसामा देगा। मिरहा की? हाँ, वैसे ये मिरहा की फीस है कितनी? ये कोई 2-3 लाख तो होगी ना? है? मुझे तो लगा था कि 5-6 हजार होगी। इसीलिए कहती हूँ हानिया, उसके पैसे पर नजर रखो, कहाँ खर्च करता है, क्या करता है वो। अम्मी, कहीं ऐसा ना हो ये सारे पैसे इन बहनों पर ही उड़ा दे। हाय हाय, इन बहनों को ना कम ना समझना, ये सब बहन भाई एक ही प्लेट के हैं। अरे अम्मी, रायमा आपी और माजबीन आपी तो मुट्ठी में है मेरी। देखो आनिया, बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। कल रायमा ना देर रात तक ना दुरे नयाब के कमरे में थी, पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी थी भाई। चलो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी अलग कर लो, ये सारी बहनें एंड पर इकट्ठी हो जाती हैं। इन बहनों का जरूर कुछ करना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिलहाल ना तुम उसामा से उसके खर्चों का पूछो। अम्मी, अभी मैंने उसे कहा है कि नया घर, खर्चों का भी पूछने लग गई ना, कहीं बिदक ना जाए वो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अभी किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सोचती हूँ क्या करना है। हाँ ना अम्मी, आप ही कुछ सोचें आप। मजा खराब हो गया है। दिनों के बाद आई हैं आप, पता मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बस फिर सही है, एक हफ्ता तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। मैं यहाँ रुकने के लिए तो आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप और रायमा बाजेश खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है। मिरहा, अरे सांस तो लेने दो उसे, अभी तो आई है। अस्सलाम वालेकुम रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। आसिम, आसिम कहाँ है? भैया वो तो मुझे छोड़ के चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए, इस घर का दामाद है, खाना तो खा के जाता। एक्चुअली उनको एक काम था, इसीलिए चले गए थे। अच्छा, जब तुम जाओ ना तो उसे खाने पे बुला लेना, सब मिलके खाना खा लेंगे। बैठो ना, मैं जरा अभी आती हूँ। बिया कितनी अच्छी है ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा उन्होंने आसिम को खाने पे बुला लिया। बिया तो हमेशा हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है। तुम ठीक कह रही हो, उस दिन मैंने उनके साथ कितनी बदतमीजी की, लेकिन फिर भी कितने प्यार से वो मुझसे मिली है। क्या बात है आसिम, अपनी अम्मी और आयान को नहीं लेकर आए? मैजबीन, तुमने आसिम को बोला नहीं कि सबको लाना था? बिया, वो मैंने अम्मी को बताया था, वो दरअसल आयान के फैन की बर्थडे है ना, तो वो उधर गया मैं। एक्चुअली बात यह है कि अम्मा कहीं ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं है, उन्हें घर पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अब तो हम एक ही फैमिली है ना, उन्हें आना चाहिए था। अम्मी से कहना कि मैं नाराज हो गई थी। आसिम भाई, जॉब वगैरह कैसी जा रही है? जॉब ठीक चल रही है। कोई प्रमोशन वगैरह होती है इस फील्ड में?
हाँ उसामा, प्रमोशन होती तो है अगर आपके कोई ताल्लुकात अच्छे हों तो इजीली काम हो जाता है, वरना बहुत मुश्किल है। आप तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपके तो ताल्लुकात ज़रूर बने हों। हाँ मेरे कुछ फ्रेंड हैं तो सही, लेकिन इतने असर रसूख वाले नहीं हैं, वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो आप कहीं और ट्राई क्यों नहीं करते? दरअसल मुझे इस इदारे में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो मैं जॉब यहाँ करूँ या कहीं और, बात तो एक ही है। एक्चुअली जब मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की थी तो ग्रेड 17 से 18 में चला गया था, तो ग्रेड 17 और 18 में कोई खासा फ़र्क नहीं है। उसामा, अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजारा हो रहा है, और वैसे भी आसिम शाम में पार्ट टाइम रियल एस्टेट का काम कर लेते हैं, तो शुक्र है गुजारा हो ही जाता है। जी ठीक है माँ जबीन, आप ही, मैं समझ गया। माँ जबीन, तुमने अपनी चीज़ें समेट ली? हाँ मैंने पैक कर ली। टाइम मैम जी भैया, तुम आसिम श्री अम्मी और अयान के लिए खाना पैक करवा दें, मैं करा लेती हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया, हमें हम चल रहा है सही है, अम्मी घर भी अकेली हैं। हाँ मैं अपना सामान लेके आती हूँ। अमीरा भी, ड्राइंग रूम में ना सब फैला हुआ है, पहले वहाँ की सफाई कर दें आप। जी आनिया, देखा था तुमने किस तरह दुरे ने अब आसिम और माजबी के साथ मीठी बनी हुई थी। सही कह रही हैं आप, हमारे साथ तो कभी नहीं बैठी इस तरह। आसिम भाई को पूरा पूरा टाइम दिया उन्होंने, और आसिम और उसकी माँ के लिए खाना भी पैक हो रहा था, देखो। अच्छा हाँ तो और क्या, इन बहनों का पेट एक है, कितना भी लड़ ले फिर एक ही हो जाएगी। कितनी मेहनत की है हमने इन्हें अलग करने की, लेकिन नहीं भाई फिर एक हो गई। मेरा नाम भी समीना है, अलग करके दम लूंगी। थोड़ी देर के लिए मुंह बना लेती है, जैसे ही बिया कोई मीठी बात कर दे फौरन ही सब ठीक हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि महजबी चली जाएगी, रायमा और दुरे ने अब ऑफिस में होगी, हम माँ बेटी मिलके सारा दिन सुकून से राज करेंगे। सारा उल्टा ही ओके। अम्मी अगर बिया ने माजबी नापी को उनका जेवर और सामान वापस कर दिया तो? ऐसा ही होगा, जितनी मोहब्बत उछल रही है ना बहनों में, आखिर में ऐसा ही होना है। बीबी जी, उसामा साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। बाबा जान, कॉल यू लेटर। गुड इवनिंग बेटा, क्या चाहिए? आपको कैसे पता मुझे कुछ चाहिए? भाई कभी कभार तो हमारी बेटी हमें आवाज देती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चाहिए ही हो। बाबा मुझे आपका टाइम चाहिए, भाई का बर्थडे आ रहा है तो हम साथ सेलिब्रेट करेंगे। हाँ तो एक ग्रैंड सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पार्टी नहीं,
हम आपस में फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, बस मैं, आप और भाई। ठीक है, देख लेते। देख नहीं लेते, हम ये करेंगे। आप पहले इतना जॉली हुआ करते थे जब मामा थी, हम घूमते थे फिरते थे, अब आप बस बिजनेस में लगे रहते हैं। अच्छा बेटा, कर लेंगे ऑर्गेनाइज। श्याम जबरत हो रहा है डैड, क्यों घिरा हुआ इससे आपको? हाँ, ये हर वक्त तंग करता रहता है। साइम, तुम बहुत कम तंग करते हो मेरी। मैं? बाबा आप ही ना। अच्छा साइम का बर्थडे आ रहा है, हम लोग एक फैमिली डे सेलिब्रेट करेंगे। डाल है जैसे आप लोगों की विश। ओके, दैट्स गुड। तो बस फिर अब मैं कोई और प्लान ना बनाऊं? ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट कॉल है वो कैरी कर लूं। ओके। और तुम्हारी इंटर्नशिप का क्या बना? अभी तो सिर्फ इंटरव्यू हुआ है, ऑफर लेटर आ जाए तो कुछ पता चले, पता नहीं होगा भी या नहीं। तो तुम उदास क्यों हो रही हो यार? तुम्हारी सीवी इतनी अच्छी थी, और वैसे भी अगर नहीं भी होता तो एटलीस्ट तुम बिया के ऑफिस ज्वाइन कर लेना। नहीं शाहजहान, मैं खुद से करना चाहती हूँ, अपनी काबिलियत पर। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी कुछ? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा था, और वैसे भी तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें तो इंटर्नशिप मिल ही जाएगी। अच्छा मेरा, तुमने बिया से बात की? बिया से क्या बात? मैंने जो तुम्हें कहा था उस दिन, अम्मी रिश्ते का कह रही थी। क्या हो गया शाहजहान? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मुझे कुछ वक्त दो, पहुँचने तो दो। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन जवाब पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अभी टीना के पास जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हसीब ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पार्टनर कंपनी बनकर काम करे। अगर हसीब ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमारे साथ 50% का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यकीनन ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए भी ज़रूरी होगा। जी मैम, जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। जी, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अहम है, इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि हम इसका बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। एंड आई थिंक हसीब ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ हमें एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। अब हम उनके साथ काम करने वाले हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट भी उनके साथ मिलना चाहिए। कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे उनके साथ डिस्कस करनी है। इस वीक हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने पर। इसी यूनिट में हम कंपनी के मालिक जावियार हमदानी को भी इनवाइट करेंगे, जिसमें आप उनसे मिलकर मीटिंग और लोकेशन तय कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपका आइडिया समझ रही हूँ और जैसे भी होगा हम इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। अम्मी प्लीज ना, ईश्वर मैं तुम्हें कितनी दफा मना कर चुकी हूँ, फिर जिद क्यों कर रही हो तुम? अब्बू अब्बू प्लीज, आप ही कहना अम्मी को, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। बाबा आपकी गाड़ी की चाबी किधर है? क्या हो गया, ये ईशल किस बात की जिद कर रही है? पूछ लो खुद ही, फ्रेंड्स से ट्रिप पे जाना चाह रहे। देखे भाई, मेरे कॉलेज की सारी फ्रेंड्स आउटिंग पे जा रही है, बस मामा ही मुझे नहीं जाने दे रही। तुम्हें हमारे घर के हालात का पता तो है ना? तुम्हारे अब्बू कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि मैं जाके अलमारी खोलूंगी और 15-20 हज़ार लाके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी।
अम्मी जाने देना, अब कॉलेज का ट्रिप है, इतना तो बनता है। बेटा मैं तो कब से कह रहा हूं तुम्हारी अम्मी को कि बच्ची है जाने दो, लेकिन ये है कि किसी की सुनती नहीं। हाँ, और जब महीने के आखिर में खर्चा कम पड़ जाएगा तो बताए कहां से करूंगी मैं। तो खदीजा 3-4 हजार से क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता, जाने दो उसको। 3-4 हजार की बात नहीं है, एक फ्रेंड से जाएगी ट्रिप पे, वहां जाके रहेगी, खाए पिएगी, शॉपिंग भी करेगी, पर जाने के लिए फिर कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना। 15-20 हजार से कम का खर्चा नहीं है। 3-4 हजार होता तो हो जाता। मी जाने दे, पैसे मुझसे ले लीजिएगा। तुम कहां से दोगे? हाँ, मेरे खर्चे से काटोगे ना। अम्मी मैंने एक ऑनलाइन काम किया, पैसे हैं मेरे पास, आप फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच भाई, ले आपका मसला हल हो गया। देखो ईशन, समझो कि आखिरी दफा है, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। और ईशन, हमेशा ये एक्सेप्ट ना करना। हाँ वही। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो यार। अच्छा मामा, एक जरूरी काम से आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। खैर से जाना बेटा। सर, मुझे हसीब ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ है, वो हमें अपनी कंपनी के इवेंट पे इनवाइट कर रहे हैं। क्या इवेंट? सर कोई कॉपरेटिव इवेंट है, मेरी बात हुई थी उनके मैनेजर से, ये कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अब वो पार्टनर हैं और कोई गेट टुगेदर इवेंट तो होगा ना। इस दौरान आप आएंगे? जी सर, वो भी होंगे और उनका पूरा सीनियर स्टाफ भी होगा। इस दौरे नायाब से मिलना बहुत जरूरी, पहली बार किसी ने इतना टफ कंपटीशन दिया है। सर मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है और नो डाउट उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। डैड, आप अपनी रिसेप्शनिस्ट को तो चेंज करें, वो मुझे अंदर आने से रोक रही है, साइम हमदानी को। तुमने आगे रुख किया, खैरियत? डैड दरअसल मुझे आपकी कार की की चाहिए थी। कहाँ जा रहे? दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैंने आपसे की मांगी है। ओके डैड, अब कुछ दिन आप मेरी कार यूज कीजिए। साहिम साहब काफी बड़े हो गए सर। आज ही बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपनी खराब गाड़ी मुझे देंगे और मेरी ठीक गाड़ी खुद लेंगे। इतने बड़े हो गए हैं, ये गाड़ी ठीक करवा। मैंने कहा ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे पेपर्स जमा कर लेना, मैं सुबह आके साइन कर दूंगी, ठीक है? ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और टीना की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अब बेहतर है पहले से। आप तो मुझे याद ही नहीं करती, मैंने सोचा कि मैं खुद ही फोन कर लूँ। बस वो घर के कामों में याद ही नहीं रहता कॉल करना। कभी कभी तो फोन कर लिया करें, मुझे अच्छा लगेगा।
मेरे फोन करने से आपको क्यों अच्छा लगेगा? कुछ नहीं, आप ही समझेंगे। और ऑफिस में बाकी सब कैसे हैं? जी बाकी सब ठीक है, कुछ लोग आपको याद करते हैं। कौन लोग? आप कोई और भी याद करता है मुझे? हाँ शायद। चलें ठीक है, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। खाला अच्छा हुआ आप आ गई, आप टीना के पास बैठे, मैं इसके लिए नूडल बना के लाती हूँ। आखिर ये फोन पर किससे बात कर रही थी? दे खुदा